और दोस्तों ये देखिए, जैसे ही मॉर्निंग के टाइम पर मैं बाहर आई और बढ़िया सी धूप आ रही है और सामने देखिए छलिया डांस हो रहा है, क्योंकि वहाँ थी शादी, मैंने आपको कल लाइव में दिखाया था। और मेरे ख्याल से लड़के की शादी थी शायद, और बारात अभी सुबह वापस आई है। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को जानकी रावत का पहले प्रणाम। और देख सकते हैं कि आज कितनी अच्छी धूप आ रही है, कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई और उतनी अच्छी अभी धूप आ रही है, लेकिन सडनली अभी थोड़ा मौसम चेंज भी हो जा रहा है, बारिश का भी हो जा रहा है। और सामने देखिए छलियाओं का डांस हो रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया। तो आप लोगों को पता है हमारे कुमाऊँ में शादी ब्याह में जो है छलियाओं को बुलाया जाता है, क्योंकि इनका डांस जो है काफ़ी फेमस, जो भी ये वो बजाते हैं उससे शादी में जो है चार चांद लग जाते हैं, बिना इसके शादी में मज़ा नहीं आता है। प्लेन्स में तो आजकल बैंड बाजा वगैरह चल रखे हैं, बट आजकल क्या हो रहा है, बैंड बाजा भी बंद हो गया, आजकल सब लोग छलियाओं को ही बुला रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पहाड़ी संस्कृति की एक पहचान है जो पहले से चली आ रही है। गाँव में जब भी शादी होती है तो छलियाओं के बिना नहीं होती है, प्लेन्स में तो फिर भी बैंड बाजा वगैरह बजाते थे, लेकिन अब क्या है, बैंड बाजा का ट्रेंड जो है धीरे धीरे ख़त्म जैसा हो रहा है। सब लोग पहाड़ों से या कहीं पर भी जो भी है मतलब छलियाओं को बुला रहे हैं, और छलियाओं का दाम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्या बताऊँ, क्योंकि आजकल काफ़ी मात्रा में जो है इनकी मांग जो है बढ़ चुकी है, तो इसीलिए मतलब इनका वो पैसा भी उतना ही मांग रहे हैं लोग। मेरे भैया की शादी बतानी कब होगी, हम भी छलियाओं को ही बुलाएंगे। और दोस्तों आजकल मैं इतनी आलसी हो रही हूँ क्योंकि बच्चों की जो है पड़ गई है छुट्टियाँ, और आज तो पेरेंट्स मीटिंग भी है। दक्षिण आज पेरेंट्स मीटिंग है, आज आपका रिजल्ट मिलेगा, तो बहुत आराम से उठ रहे हैं हम अभी। तो बाहर पर मतलब वो सुन रही थी ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा एक शॉर्ट बनाती करके, पर वो दूर है तो एकदम क्लियर नहीं आ रही है फोटो। और ये इतना खुश हो रहा है, मेरा दांत टूटने वाला है, इसका जो है एक दांत हिल रहा है तो बहुत खुश हो रहा है। मैंने इससे कहा आपका दांत हिल रहा है तो खुश हो रहा है, नहीं तो दक्षिण आपके दांत कैसे आएंगे अगर इतने बड़े बड़े से आए तो। अभी तो दिखाओ दिखाओ आपके दांत कितने छोटे छोटे से हैं, दिखाओ ये करो, ये इतने छोटे छोटे से, इतने क्यूट से प्यारे से, तो इतने बड़े बड़े से आएंगे, इससे छोटे हैं। तो चलिए फिर, मेरा सिर्फ अभी झाड़ू लगाया, बस पोछा नहीं लगाया, पोछा वोछा लगाती हूँ, काम करती हूँ, आज जाना है इनके स्कूल भी। और दोस्तों पानी की ना पिथौरागढ़ में इतनी ज़्यादा किल्लत हो रही है, अभी हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं नहाने के लिए पानी, और अंदर तो पानी मतलब कई दिन हो गए हैं आ ही नहीं रहा है। पीने के लिए हम मोटर चला लेते हैं, हैंडपम्प का पानी आता है उसमें, और अभी हैंडपम्प से आता तो है लेकिन उतना साफ पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि कई टाइम से बंद था ना तो जंक लगा है, इसलिए पानी मतलब उस वजह से ना गंदा आ रहा है, लेकिन मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा चलाती रहती हूँ तो पानी थोड़ा सा साफ आने लग गया है। फिलहाल तो यहाँ से मिलाओ, तुम वहाँ शादी में ही चले जाओ, यहाँ से क्यों नाच रही हो? निमंत्रण नहीं मिला मुझे, न्योता नहीं मिला, पर सुबह से लगे हैं जोड़े, मतलब इतना बढ़िया गा रहे हैं ना, मैंने कहा जब राजू की शादी होगी तो हम भी छलिया ही खुलाई पे छलियों के प्लेन्सों में तो बैंड बाजे ही बजता है ना। हाँ तो यहाँ भी चलने लग गया है, तुम्हें पता है छलियों का रेट, छलियों का रेट कितना है? छलियों का रेट है, वही तो बता दे ना, छलियों का रेट कुछ आसमान तोड़ के ऊपर जा रहा है अंतरिक्ष में, मतलब बैंड बाजा फिर से, तो यही बैंड बाजे आने लग गए। अब तुम वहाँ काम मंगा रही हो, तुम छलियों को बुक करके तो देखो, पहले तो मिलेंगे ही नहीं हो। और दोस्तों अभी मेरा बंदा है नाश्ता बच्चों के लिए, बच्चों को खानी है अंडे की भुजिया। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे माँ आपने कब से अंडा नहीं बनाया, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है ना दोस्तों, पिथौरागढ़ में कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, बट फिलहाल तो एक दो दिनों से मौसम जो है अच्छा बना हुआ है, थोड़ी सी ठंड जैसी हो रही है हमारे रूम पर, तो मैंने कहा चलो फिर आज बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी जाए, वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई है। और देखिए जैसे ही अंडे की भुजिया की खुशबू आ गई है, दोनों के दोनों बच्चे किचन में आ गए हैं, और इनकी भूख जो है अब थम ही नहीं रही है, इनको अब कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, इसके साथ रोटी ये मतलब ठीक ठाक खा लेते हैं। और दोस्तों टाइम जो है 1:30 बज गया है, और अभी जा रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में, खाना वाना नाश्ता वास्ता सब हो गया हमारा, तो अब जा रहे हैं, अब मिला हमें टाइम, तो जरा पेरेंट्स मीटिंग में जाए देख के आते हैं बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, कैसा रिजल्ट है, क्या शिकायतें हैं इनकी स्कूल में।
तो मौसम इतना खराब हो रहा था, बट अभी अभी धूप आ गई थी तेज, हमारे जाते वक्त ही आनी थी धूप। और दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बच्चों के स्कूल में, तो सबसे पहले हम जाते हैं आदर्श की क्लास में, उस दक्षु का स्कूल में नेम जो है आदर्श है, और उसके बाद जाएंगे हम वैभव की क्लास में। फिर होती ना फैलाने के लिए, जितने होंगे दोस्त सब एक साथ बैग लेके बैठ जाएंगे। और दोस्तों दक्षु का रिजल्ट तो हम देख करके आए, काफ़ी अच्छा है, बहुत एक्टिव है, थोड़ा नॉटी भी है। अब जाते हैं मेन वैभव की क्लास में कि कैसा रिस्पॉन्स है। और दोस्तों पीटीएम से आने के बाद हम लोग चले गए हैं मार्केट में, क्योंकि मुझे टेलर के वहाँ जरा काम है। मेरा सूट उन्होंने ठीक किया है कि नहीं तो वही मैं चेक करने के लिए जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने देखी यहाँ पर इमरती, जो कि मुझे काफ़ी टाइम, बहुत ही साल हो गए हैं इमरती नहीं खाए हुए। जलेबी तो हम रोज़ खाते रहते हैं, तो आज मेरा मन हुआ इमरती खाने का, तो हमने यहाँ से अपने लिए ली इमरती और थोड़े से शक्कर पारे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखी अपने लिए स्लीपर, ये भी उसी रेंज के हैं। कितने रुपए? और दोस्तों मैंने 99 स्टोर देखा नहीं था, तो आज गई मैं वहाँ अंदर, तो मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेके आई। बस मैं देख करके आई कि बहुत सुना है 99 स्टोर, तो देख करके कैसा जो सामान है। अब हम जा रहे हैं घर को। पहले मेरी बात सुनो, आप मैथ्स में, आपको मैथ्स का एग्जाम कैसा गया? अच्छा। अच्छा गया था? कितने मार्क्स आए थे फिर मैथ्स में? मेरे आए 100। हाँ। कैसे कहते हो आप, आपके फुल मार्क्स आए? ये लोड 27 आई थी मेरी। 27 मैथ्स में फुल मार्क्स आए हैं दक्षु की, लेकिन मैम कहती है बहुत नॉटी हो रहा है बच्चा, शैतानी भी करते हो। पर मार्क्स तो आए ना बहुत। तो हम लेकर के आए, ये 100 रुपए की मरती है, अब इतने पीस आए, इसमें 4 पीस आए 100 रुपए में। तो चलिए फ्रेंड्स इमरती को जरा टेस्ट किया जाए कि कैसी बनाई है, क्योंकि जब मैंने बहुत पहले खाई थी तब तो बहुत टेस्टी थी, अब पता नहीं सब जगह की अलग अलग बात होती है। मुझे टेस्टी नहीं हो रही यार, लो इमरती खाओ। और दोस्तों मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े और मैं अपने लिए लाई ये वाली स्लीपर, ऐसे दिखाती हूं। वहाँ पे पहन के चेक करना था ना, एक सो हे गाइस गुड इवनिंग। मेरे को तो आ गई थी नींद और काफ़ी अच्छी नींद आई, उठने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और बाहर देखे टाइम भी इतना हो गया है, अंधेरा जैसा होने लग गया है और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है उठने का। तो चलिए फिर फ्रेंड्स बनाती हूँ चाय। तो पहले फ्रिज में से दूध ले आती हूँ और बच्चों के लिए भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और दोस्तों जब भी मैं सो करके उठती हूँ ना, तो मुझे ना भूख जो है कुछ ज़्यादा ही लगती है, क्या आप लोगों को भी लगती है? अगर लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। पता नहीं क्या आदत है, जैसे मतलब सो करके उठो ना
तो पता नहीं बहुत ज़्यादा भूख जैसी लगती है। तो दोस्तों मेरी चाय जो है बन करके हो चुकी है रेडी, और खाने के लिए मैंने इमरती और शक्कर पारे रखे हैं। और अब उठाती हूँ मैं रावत जी को, रावत जी को भी बहुत ही भयंकर नींद आ रही है, उनको भी बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है मेरी तरह। रावत जी की नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई। खाओ, नहीं खाना लाओ। और वो खा रहा है आम। और दोस्तों अभी हम आए हैं थोड़ी देर बाहर पर, क्योंकि बाहर पे मौसम जो है काफ़ी ठंडा और अच्छा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक कॉमेडी वाली वीडियो शूट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हस्बैंड को मना रखा है कि मेरी एक वीडियो बना दो उनका मन नहीं हुए, बट फिर भी बाहर के हैं, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। तो चलिए दोस्तों अब करती हूँ मैं डिनर की तैयारी, और आज मैं बना रही हूँ आलू और लौकी की सब्जी। लेकिन मेरे बच्चों को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनकी पसंद के अनुसार चलेंगे तो बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिल पाएगा। तो उन्हें पसंद नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहता, मैं फिर भी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चा कब तक नहीं खाएगा, एक ना एक दिन तो खाएगा ही, उसकी आदत तो बनानी पड़ेगी। और वैसे भी लौकी की सब्जी खाने से पीलिया रोग बिल्कुल नहीं होता है, लौकी का जूस पियो हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी है, शरीर मोटा नहीं होता है। तो जब मैं अपने बड़ा बच्चा तो खैर नहीं मानता है, छोटे वाले बच्चे को अगर मैं ऐसे समझाती हूँ तो मेरा बच्चा मान जाता है, तो वो खा लेता है, फिर वो खुद ही बोलता है माँ इससे हमको प्रोटीन मिलता है ना, इससे हमको विटामिन मिलता है ना, इससे हमारी बॉडी मजबूत बनती है ना। मैं कहती हूँ हाँ बेटा, तो मेरा बेटा छोटा वाला खा लेता है, बट बड़े वाले को मैं नहीं समझा पाती क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा अकलमंद हो गया है। लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ और थोड़ा बहुत चख ही लेता है सब्जी, नहीं तो सब्जी खाने में मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। और आपसे बातें करते करते मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, और सब्जी बनाने में गैस में थोड़ा सा तेल वेल के छींटे आ गए हैं, तो उनको कर लेती हूँ मैं साफ़। और मेरे हस्बैंड जो है अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अब गूंथ लेती हूँ मैं थोड़ा सा आटा। लेकिन मेरे बड़े वाले बेटे को पढ़ाई के नाम पर लग गई है भूख क्योंकि मेरे हस्बैंड ले रहे थे उसकी क्लास, तो पढ़ाई से बचने के लिए किचन में आ गया, कह रहा माँ मुझे खाना दे दो, जबकि खाना भी रेडी नहीं हुआ है। तो मैंने बोला जाओ बेटा पहले पढ़ाई करो, उसके बाद आपको खाना मिलेगा, जब तक आपको कुछ क्वेश्चंस लर्न हो जाते हैं तब तक मेरी रोटी बन जाती है। तो चलिए दोस्तों आटा गूंदने के बाद मैं बनाती हूँ रोटी, और इन लोगों को कराती हूँ डिनर, और आपसे मिलती हूँ मैं कल के दिन एक न्यू वीडियो के साथ। इस वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।